हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नई अपडेट सामने आ रही है उसको मैं यहाँ पर शेयर करूंगी, और ये न्यूज़ सारे ही स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। तो वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं फिर आज सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या खबर आ रही है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आज की क्या खबर है। देखिए, यहां लिखा हुआ है सीसीएसयू अपडेट, उप मुख्यमंत्री जी की बैठक में बड़ा निर्णय, 2 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं अब दोबारा जारी होगा कार्यक्रम। जो भी एग्जाम आप लोगों के 2 जुलाई और 8 जुलाई से स्टार्ट होने थे अब उनकी डेटशीट फिर से जारी की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2 जुलाई और 8 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाएं एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम विश्वविद्यालय में बदल दिया है। उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सारी परीक्षाएं 10 अगस्त तक निपटाई जाएंगी। अभी तक जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम बनाया था उसमें परीक्षाएं 27 अगस्त तक होनी थी, वहीं अब विश्वविद्यालय की एक ही शिफ्ट में 2 पेपरों की परीक्षाएं भी करा सकता है। इसको लेकर शुक्रवार को परीक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी निर्णय लिए जाएंगे। सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजेस में 2 जुलाई से वार्षिक परीक्षाएं यूजी पीजी की परीक्षाएं शुरू हो रही थी, 8 जुलाई से सेमेस्टर में यूजी पीजी की परीक्षाएं होनी थी। विश्वविद्यालय की तरफ से सारा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। गुरुवार को परीक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा जी, रजिस्ट्रार धीरेंद्र वर्मा जी के साथ ऑनलाइन एक बैठक की है, और बैठक में बताया गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 27 अगस्त तक चलेंगी, जिस पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारी परीक्षाएं 10 अगस्त तक खत्म कराएं। उन्होंने कहा कि अगस्त में ही रिजल्ट जारी किया जाए जिससे कि सितंबर से पहले सप्ताह से कॉलेजेस में नया सत्र शुरू किया जा सके। ठीक है, अब आगे पहले और देख लेते हैं। बताया गया है कि नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है, ऐसे में यह सत्र लेट नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार धीरेंद्र वर्मा जी ने कहा है कि पहले वाले परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई है, बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से 10 अगस्त तक सारी परीक्षाएं खत्म कराई जाए। जिस तरह से उच्च विद्यालय में 10 अगस्त तक परीक्षाएं खत्म करानी है उससे एक नया फॉर्मूला भी जारी किया जा सकता है। देखिए, आप लोगों के जो एग्जाम 2 जुलाई और 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहे थे यूजी पीजी के, सेमेस्टर वाले भी और ईयरली वाले भी, उन सभी की डेट शीट फिर से जारी की जाएगी। आप ये मत सोचना कि आप लोगों के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, नहीं, आपके एग्जाम तो 2 जुलाई और 8 जुलाई से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन आप लोगों के एग्जाम के बीच में जो पहले बहुत ज्यादा गैप मिल रहा था जिसकी वजह से एग्जाम 27 अगस्त तक खिंच रहे थे, अब उनको गैप को कम कर दिया जाएगा और उनको 10 अगस्त तक ही खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आज यूनिवर्सिटी में एक बैठक है जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि आप लोगों के सारे एग्जाम 10 अगस्त तक कैसे खत्म कराए जाए। ये तो पक्का हो गया है कि पुरानी वाली डेट शीट अब कैंसिल है, अब आज की बैठक के बाद फिर आप लोगों की नई डेट शीट जारी की जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ ना यूजी पीजी के बारे में बात की गई है, यहाँ पर ना बीएड के बारे में बात नहीं की गई है, तो बीएड के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट यहाँ से मैं यही कहूंगी कि बीएड वाले भी अपनी स्टडी में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि आप लोगों की डेट शीट में भी चेंजेस हो जाए जैसे कि अभी हो रहे हैं। तो गाइज, यही न्यूज आज सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से सामने आ रही है। इसके अलावा गाइज, मैं ये कहूंगी कि दोपहर में जो मैं वीडियो डालूंगी उसको जरूर देखिएगा, सारे स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर गाइज, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।